नौटंकी और क्या सिगरेट पी रहे हो ले फिर आ गए। जय हिंद। कमजोरी कैसे दूर करें, ताकत कैसे बढ़ाएं और कुछ लोग का गाल जो पिचक गया उसको सही कैसे करें, एक बात जान लो। आप पतले हैं ना तब भी कमजोर हो सकते हो, मोटे हो तब भी कमजोर हो सकते हो। कमजोरी का अलग ही फंडा है, तो उसको आप इतना दिमाग मत लगाओ मैं पतला हूं कमजोरी रहूंगा। नहीं, पतले लोग भी मजबूत होते हैं। अगर आप मोटे हैं मैं सोचो मैं बाहुबली हूं, आप कमजोर भी हो सकते हैं, क्योंकि वो अंदर से होता है, बॉडी के अंदर से, बाहर दिखने से नहीं होता। अंदर इंटरनली अगर आप तगड़े हैं तभी आप तगड़े हैं, अंदर अगर आप झंड है तो आप झंड है। तो पांच चीजें हैं जो हम लोग सीखेंगे कि क्या अगर हम लोग अप्लाई करें तो हम लोग ताकतवर बन जाएंगे, मजबूत बन जाएंगे और एनर्जी फाड़ के आ जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट के, बिना कांड बन के लेट्स गो। पहली चीज, सुबह उठ रहे हो ना, उड़ती सुड़ती ईड़ी बीड़ी सिगरेट फिगरेट को नहीं हाथ लगाना है, और आना बड़ा नहीं खा रहे हो, कुछ ये जो मसाले वसालेदार चीज़ें होती है ना इसको आप नहीं खा रहे हो। पहला काम करना है, गिलास पकड़ो, जाओ दो गिलास पानी पियो, एक दो गिलास पीना है पानी। उससे क्या होगा, बॉडी कचरा बाहर निकलेगा, बॉडी साफ हो जाएगी, एक तगड़ी एनर्जी देगी। सुबह सुबह जब तगड़ी एनर्जी बॉडी में रहेगी ना, दिन भर तुम्हारा सही बीतेगा। सुबह उठ गया सिगरेट पी रहे हो और चैट करते हुए ड्रामा कर रहे हो, इससे आप डे बाई डे कमजोर होते जाओगे, अंदर से बहुत ज़्यादा वीक होते जाओगे। तो पहले काम करना है, तुम्हें दो गिलास पानी पीना है, एकदम नॉर्मल वाटर। अगर तुम्हारा जो गोल है ना वेट लॉस है, उसमें क्या कर सकते हो, आप हनी डाल सकते हो, नींबू डाल सकते हो, और या तो उसमें एप्पल साइडर विनेगर डाल सकते हो, लेकिन नॉर्मल वाटर तो सभी को पीना चाहिए। तो पानी पियो, और सुनो, सुबेरे नहीं, दिन भर में 4 से 5 लीटर पानी पीना है। देखोगे तुम्हारे अंदर कमजोरी रहेगी नहीं, ये मजबूती का एक राज है जो लोग यूज नहीं करते हैं, आड़ा बड़ा करते हैं। दूसरे नंबर जो चीन है, ये पगलाइती सभी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, घर खाना नहीं खा रहे हो, 10, 5, 20, 50 आप खर्च करके मार्केट में आड़ा बड़ा खा घर पे आके कह रहे हो हमका भूख ना बम्मा, हम खाना ना खा, और खाब तो आधी रोटी एक रोटी खाब उसको सो जाएंगे। ये चूतिया फा मत करो। अरे मेरे भाई, कम से कम ब्रेकफास्ट लंच डिनर तो करना ही पड़ेगा आपको। अगर ये तीन चीज तुमने सही मन लगा कर लिया, सुबह खाना खा लिया, जो अभी तुम्हारे घर रूखा सूखा बनाओ वो खा लिया, लेकिन जितना बनाओ सब खाओ, दोपहर में खा लिया कुछ न कुछ, उसके साथ प्याज व्याज मार दिया, लास्ट में जो खाना बन रहा है उसको मिस मत करो। तीन चीज़ें भैया खाओ, बाहर कुछ भी तुम चाह रहे हो उससे हमको नहीं मतलब है, लेकिन ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीन चीज़ें खाना स्टार्ट कर दो, आप देखोगे आपके बॉडी में ना बहुत तगड़ी एनर्जी रहेगी। तो ये चीज़ मिस ना करो यार, खाना वाना खाओ, काहे पगलाइती कर रहे हो। तीन नंबर जो चीज़ है, हमें टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने पर ध्यान देना चाहिए। आप जो भी करो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होना चाहिए। आप एक अच्छी डाइट ले रहे हो, घर का खाना खा रहे हो वो, और दूसरी चीज़ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो। एक्सरसाइज के लिए आपको कम से कम आधे एक घंटे के लिए टाइम निकालना चाहिए। हमें नहीं कहा जिम जाके डंबल ही मरहूल हो, आप रनिंग कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, योगा कर सकते हो, एक्सरसाइज जरूर करना जो आपको पसंद हो, एक्सरसाइज जरूर करो। और सबसे बड़ी बात, टांगों की एक्सरसाइज कहाँ नहीं करते हो, इससे करोगे ना, हम ये नहीं कहें तुम्हारा मोट टांग हो जाएगा, नहीं, तुम्हारी जो टेस्टोस्टेरोन है नेचुरली बढ़ेगी, ग्रोथ हार्मोन नेचुरली बढ़ेगी। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखो। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैं स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, मैं दिल की बात बता रहा हूँ, मैं काफ़ी दिनों से ये चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, और ये वरदान है, वरदान। ये ऐसी चीज़ है ना, एनर्जी का पावर हाउस, तुम्हें अंदर से एकदम मजबूत करके रख देगी, और तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन जो है ना नेचुरली बढ़ता जाएगा। वो क्या है ना, शिलाजीत, मैं वैसा शिलाजीत लेता हूँ, मैंने बहुत टाइप के जो है शिलाजीत मैंने ट्राई कर लिया, मैं पतंजलि का भी मैंने यूज किया, और उसके बाद कपिवा का भी मैंने यूज किया, लेकिन इस टाइम पे ना मैं एक अलग टाइप का शिलाजीत ले रहा हूँ। वो है, देखो ये मेरे सामने रखा हुआ है, मैं काफ़ी दिनों से यूज कर रहा हूँ, ये लव शिलाजीत, ये है लव शिलाजीत। तो देखो लव शिलाजीत क्यों है पता आपको, इसमें ना आयरन भी है, शिलाजीत तो बहुत पावरफुल चीज़ है, इसमें आयरन मिला दिया है, और सबसे बड़ी बात एकदम प्योर आयुर्वेदिक है, आप देख लेना एकदम प्योर आयुर्वेदिक है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इसको वेरीफाइड किया हुआ है, तो एकदम तबाक आयुर्वेदिक है, इसमें कोई फालतू चीज़ मिली हुई नहीं है जो आपको नुकसान करे, एकदम रॉ एकदम शुद्ध शिलाजीत है। और आयरन से क्या होता है ना, हमारे ब्लड में काफ़ी अच्छा वो इंक्रीज करता है, जो आपका हीमोग्लोबिन है उससे बढ़ाता है, और बॉडी को बहुत तगड़ी पावर देता है। तो अगर आप शिलाजीत ले रहे हैं, देखो आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हो, स्टेमिना बढ़ रहा है, पावर बढ़ रहा है, और सबसे बड़ी बात ताकत जबरदस्त आ जाएगी ना, आप कहोगे फाड़ देंगे। लेना कैसे, देखो आप सुबह ले सकते हो मटर के दाने के इतना बराबर ले सकते हो, लगभग 1 ग्राम 1 से 2 ग्राम आप ले सकते हो, मटर जितना दाना होता ना उतना ले लो, सुबह गर्म पानी के साथ ले सकते हो, गर्म दूध के साथ ले सकते हो, जैसे तुम्हें मतलब अच्छा लगे। गुरु मैं तो अधिकतर दूध के साथ लेता हूं, और जब मेरे पास दूध नहीं होता, अगर भैंस वही भिजुक जाती है तो पानी के साथ लेता हूं, सुबह इतना और शाम को इतना। और अगर आपके पास दूध नहीं है, पानी भी नहीं लेना चाहते हो, ऐसे करो चाट डालो, उतना चाट डालो, एनर्जी जबरदस्त देगा। तो भैया आप शिलाजीत ले सकते हो, बहुत बवाल चीज़ है। अगर आपको खरीदना है तो देखो आप जाके ले सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया आपके लिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, जाके आप वहाँ से बाई कर सकते हो। और तुम कितना शिलाजीत ले लो, कितना एक्सरसाइज कर लो, कितना आना बाना करके अपने एनर्जी सोच रहे हो बने, लेकिन आप यहाँ से खा रहे हो कहीं और से अंडबंड तरीके से निकाल दे रहे हो, मुझ खा रहे हो कहीं और से बाहर कर दे रहे हो, भैया आपकी बॉडी में ताकत नहीं आएगी। तो कोशिश करो अंडबंड तरीके से एनर्जी वेस्ट ना करो, जब भी वेस्ट करना नहीं हमें यूज करना है तो यूज करो, वेस्ट ना करो, ओके। चार नंबर जो चीज़ है ना गुरु, देखो ये बहुत बवाल चीज़ है, आपको जरूर करना चाहिए, बनी खत्म हो गई साला,
₹10-5 तो होता ही होगा जेब में, समझ लो हर एक इंसान के। तो आप कोशिश करो, चाहे सेब खाओ चाहे केला, जौन फल तुम्हें अच्छा लगे दिन भर में एक फ्रूट जरूर खाना है। फ्रूट से आप देखोगे नेक्स्ट लेवल की एनर्जी मिलेगी और जो हमारी डेली नीड होती है ना एनर्जी की वो हमें दे देता है। तो फ्रूट से अच्छा एनर्जी का सोर्स कोई नहीं होता, फ्रूट जरूर खाओ। एक तो खा लो भाई, एक सेब या एक आध केला मार ही दो। लास्ट चीज के बारे में बात करें, पांचवी चीज, ये लोग बहुत लंठ है करें आजकल के जमाने में, जितनी बड़ी मोबाइल हो रही है उतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मोबाइल में आप 12-12 बजे तक वेस्ट कर रहे हो टाइम, समझ लो पढ़ाई के नाम पे आप टाइम पास कर रहे हो, ठीक है ना, पर 1% नहीं रहे हो बस उसी में नौटंकी। तो नौटंकी कुछ नहीं करना है हमें, कोई करना टाइम सो जाना है, लगभग 8 घंटे की नींद हमें दबा के लेनी है, बॉडी रिकवर होगी तभी तो एनर्जी जनरेट करेगी। हम क्या कर रहे हैं, रात भर चैटिंग बिजी है, इंटरनेट बिजी है, आड़ा वाड़ा इंस्टाग्राम की फोटो लाइक कर रहे हैं और कहां कहां घुस किसका कमेंट पढ़ रहे हैं। ये चुतिया हमें बंद करना पड़ेगा, अपने लिए करो, दुनिया के लिए नहीं करना है, समझ रहे हो, दुनिया का नहीं ध्यान देना, अपने लिए करो और जितना जरूरत है उतना ही काम करो, समझ रहे हो मेरे भाई। तो ये 5 चीजें गुरु जो आप ट्राई कर सकते हो, बहुत ज्यादा एनर्जी बढ़ जाएगी, आपकी ताकत बढ़ जाएगी और लंठाई नहीं करोगे तो आप मजबूत हो जाओगे। शिलाजीत हमने इसलिए बता दिया क्योंकि शिलाजीत ऋषि मुनि के जमाने चला रहा है, वरदान तरीके से गलत तरीके से नहीं लेना है, अपने पॉजिटिव वे में लेना है और देखोगे आपकी बवाल तरीके से एनर्जी आती रहेगी। तो आप 5 चीजें जरूर ट्राई करो और बवाल मचाओ। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करना चाहते हैं, 10,000 फॉलोअर होने वाले हैं, आप एक और बढ़ा दो, जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से आप फॉलो भी कर सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में, खुश रहो मस्त रहो बवाल मचाते रहो और आर पार तरीके से एनर्जी के साथ आगे जाते रहो। जय हिंद।